नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एकदम स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड भौगोलिक परिचय, यानी कि उत्तराखंड का जो भूगोल है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड जो हमारा राज्य बना था, कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। ये बना था दोस्तों 27वें राज्य के रूप में। और वहीं अगर हम बात करें तो यह जो उत्तराखंड राज्य बना था, हिमालय राज्य की बात करें तो हिमालय राज्य में इसका जो क्रम आता है 11वां क्रम आता है। तो 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड का गठन होता है और 27वें राज्य के रूप में जो है यह भारत का बनता है। और हिमालय राज्य की बात करें तो 11वें राज्य के रूप में दोस्तों यह हमारा जो है हिमालय राज्य के रूप में जो है इसका निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपको उत्तराखंड का मैप दिखाई देता है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड, जिसमें जो है टोटल जिले कितने हैं, सभी को पता है टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 13 जो है दोस्तों इसमें आपको टोटल जिले देखने को मिलेंगे। तो 13 जो दोस्तों आपको यहाँ पर जनपद देखने को मिलेंगे। और मंडल की दोस्तों सभी को पता है मंडल कितने हैं, मंडल दोस्तों उत्तराखंड में कितने हैं, मंडल 2 मंडल है। एक मंडल है दोस्तों आपका गढ़वा और दूसरा मंडल है दोस्तों आपका कुमाऊं। तो 2 मंडल दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों जो है उत्तराखंड के जो है 13 जनपद है। वही बात करें यहां पर आपको 2 मंडल देखने को मिले थे, गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल की बात करें दोस्तों तो ये जो लाइन है यहां पर, ये वाली लाइन, इससे लेकर जितना भी इधर वाला भाग है दोस्तों ये आपका किसमें आता है, गढ़वाल मंडल में आता है। तो गढ़वाल मंडल में कितने जनपद आते हैं, तो ये आता है दोस्तों आपका पहला आता है उत्तरकाशी, दूसरा आता है चमोली, तीसरा आता है दोस्तों आपका टिहरी, चौथा आता है रुद्रप्रयाग, पांचवा दोस्तों आपका देहरादून आता है, छठा पौड़ी, सातवां हरिद्वार। तो गढ़वाल मंडल में टोटल जो है जिलों की संख्या कितनी है, 7 जनपद आपको गढ़वाल मंडल में देखने को मिलेंगे। बाकी बचे दोस्तों इस लाइन से इधर जितने भी जनपद बचे हैं वो आपके किस में आते हैं, वो आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। तो कुमाऊं मंडल में कौन कौन से आते हैं, पिथौरागढ़ 1, दूसरा आता है बागेश्वर, तीसरा आता है दोस्तों अल्मोड़ा, चौथा आता है चंबावत, पांचवा आता है नैनीताल, छठा आता है उधम सिंह नगर। कितने आते हैं टोटल, 6 जनपद आते हैं। तो 7 और 6 13 जनपद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। अब बात आती है दोस्तों इनके जो है ये जो जनपद है इनका जो है कभी कभार जो है क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि बागेश्वर से जो है, बागेश्वर जो जनपद है उससे जो है कितने जनपद यहाँ पर आपको मिले हुए नजर आएंगे। तो इन सब के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों उत्तरकाशी कितने जनपद के साथ सटा हुआ है, पहला है आपका चमोली, दूसरा है आपका रुद्रप्रयाग, तीसरा है दोस्तों आपका टिहरी, चौथा है आपका देहरादून। तो जो उत्तरकाशी है दोस्तों वह जो है 4 जनपदों से सटा हुआ है। किसके साथ इसकी सीमा लगती है, चमोली के साथ लगती है, रुद्रप्रयाग के साथ भी इसकी सीमा लगती है, टिहरी के साथ भी लगती है दोस्तों, और देहरादून के साथ भी लगती है। तो यहाँ पर उत्तरकाशी कितने हैं, 4 जनपदों से जो है इसकी सीमा लगती है। अब बात करते हैं गढ़वाल मंडल की चमोली। चमोली की बात करें दोस्तों तो चमोली में आप देख सकते हैं ये है उत्तरकाशी की भी सीमा लग रही है, दूसरा दोस्तों यहाँ पर रुद्रप्रयाग की भी सीमा लगती है, तीसरा दोस्तों यहाँ पर जो आपको अल्मोड़ा की सीमा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, 3, चौथा दोस्तों बागेश्वर की लगती है, पांचवा दोस्तों पिथौरागढ़ की लगती है, छठा जो दोस्तों आपको किसकी लगती है, पौड़ी की लगती है। यहाँ पर दोस्तों हल्की सी सीमा जो है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल की भी जो है चमोली के साथ लगती है। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 जनपदों की जो सीमा जो है दोस्तों आपके किसके साथ लगती है, वो लगती है दोस्तों आपका चमोली के साथ। कितनी लगती है, चमोली के साथ टोटल जो है 6 जनपदों की सीमा लगती है। अब पौड़ी गढ़वाल की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है जनपद की वो लगती है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में आप अगर देखोगे ये है दोस्तों पौड़ी, तो इसमें आपको हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, टोटल जो है दोस्तों कितनों की लगती है, 7 जनपद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
पौड़ी के साथ कितने जनपदों की सीमा लगती है? 7 जनपदों की सीमा लगती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो जनपद की सीमा उसकी जो सीमा लगती है दोस्तों सबसे ज्यादा किसकी लगती है? पौड़ी की। पौड़ी की सीमा जो है सबसे ज्यादा लगती है उत्तराखंड में। कितने जनपद से लगती है? 7 जनपद से लगती है। कौन कौन से जनपद है? अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, दो इसमें दो दोस्तों कौन से हैं? दो आपका जो है कुमाऊं मंडल के हैं, कुमाऊं मंडल के हैं। बाकी जो जितनों की भी सीमा लगती है दोस्तों वो आपके सारे 5 जो है गढ़वाल मंडल के हैं। तो कुमाऊं मंडल के कौन कौन से हैं? एक आपका अल्मोड़ा हो गया, दूसरा आपका नैनीताल है, और गढ़वाल मंडल की बात करें तो रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, देहरादून है, हरिद्वार है और चमोली है। ये बात आपको अच्छे से नोट करनी है। इसके बाद बात करते हैं चमोली हो गया कौन से है? रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, बागेश्वर है और अल्मोड़ा। उत्तराखंड के 4 जनपद ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है किसी से नहीं लगती, केवल उत्तराखंड के जनपदों से लगती है। तो आप इनका नाम अच्छे से याद कर लेना है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है और अल्मोड़ा है। इसके बाद बात करते हैं, अब आता है दोस्तों टिहरी, कुमाऊं मंडल में है। टिहरी की बात करें दोस्तों तो गढ़वाल मंडल में आपको देखने को मिलेगा, और वही बात करें यह जो है कितने जनपदों से सटा है तो यह है दोस्तों देहरादून से है, पौड़ी से भी इसकी सीमा लगती है, रुद्रप्रयाग से लगती है और उत्तरकाशी से लगती है। तो टिहरी की सीमा जो लगती है दोस्तों 4 जनपदों से लगती है, कौन कौन से? देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। ये दोस्तों आपका यहाँ पर टिहरी है। अब बात करते हैं, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग की बात करें दोस्तों तो रुद्रप्रयाग जो है कितने जनपदों की सीमा लगती है? तो रुद्रप्रयाग के साथ दोस्तों चमोली की भी लगती है, पौड़ी की लगती है, टिहरी की लगती है और उत्तरकाशी की लगती है। 4 जनपदों की सीमा दोस्तों जो है रुद्रप्रयाग के साथ लगती है, कौन कौन से? चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया और उत्तरकाशी हो गया। अब बात करते हैं पौड़ी, पौड़ी की बात कर दी, देहरादून, देहरादून के साथ दोस्तों देहरादून के साथ भी 4 जनपदों की सीमा लगती है, हरिद्वार की लगती है, पौड़ी की लगती है, टिहरी की लगती है और उत्तरकाशी की लगती है। ये तो दोस्तों आपके जो है। अब हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार के साथ दोस्तों 2 जनपद की सीमा लगती है, कौन कौन से? एक पौड़ी, दूसरा दोस्तों दो जो है देहरादून, देहरादून और पौड़ी इन दोनों की सीमा से लगती है हरिद्वार के साथ। तो हरिद्वार के साथ सिर्फ 2 जनपदों की सीमा लगती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ की बात करें तो ये कुमाऊं मंडल में आता है, तो इसके साथ देखते हैं कितने जनपदों की सीमा लगती है। एक तो लगती है चमोली की यहाँ से, दूसरा है दोस्तों बागेश्वर, तीसरा है अल्मोड़ा की भी लगती है, चौथा है चमोली। तो पिथौरागढ़ के साथ ही दोस्तों जो है 4 जनपदों की सीमा लगती है, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ पिथौरागढ़ के साथ 1 जनपद ऐसा है जो गढ़वाल मंडल का है, पिथौरागढ़ के साथ एक जनपद ऐसा है जो गढ़वाल मंडल का है, वो है दोस्तों आपका चमोली। ये जो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों यहीं से जो है प्रश्न बनता है और इन्हीं प्रश्नों में अक्सर जो है गलतियां होती है। अब बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर के साथ जो है दोस्तों बागेश्वर के साथ कितने जनपदों की सीमा लगती है? पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और चमोली। बागेश्वर के साथ भी 4 जनपदों की सीमा लगती है, यहाँ पर 4 जनपदों की सीमा लगती है। तो बागेश्वर के साथ भी दोस्तों सिर्फ एक ही जनपद है चमोली जिसके साथ जो है इसकी सीमा लगती है, चमोली सिर्फ गढ़वाल मंडल का है। तो बागेश्वर के साथ ही सिर्फ एक ही जनपद जो चमोली है गढ़वाल मंडल का उसकी सीमा लगती है, बाकी जो है कुमाऊं मंडल की सीमा लगती है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा के साथ लगती है दोस्तों बागेश्वर की लगती है, चंपावत की लगती है, नैनीताल की लगती है, पौड़ी की लगती है और चमोली की लगती है। तो अल्मोड़ा के साथ भी आपको कितने की देखने को मिलेगी? 1 चमोली, दूसरा बागेश्वर, तीसरा चंपावत, चौथा नैनीताल, पांचवा आपका पौड़ी। बाकी पौड़ी और चमोली ये दोनों दोस्तों जो है किस मंडल के हैं? आपके गढ़वाल मंडल के हैं। अब बात करें नैनीताल की, अगर हम बात करें तो इसके साथ जो है दोस्तों कितने लगती है? अल्मोड़ा की लगती है, चंपावत की लगती है, उधम सिंह नगर की लगती है और पौड़ी की लगती है। तो इसके साथ दोस्तों जो है 4 जनपदों की सीमा लगती है जिनमें से एक जो है पौड़ी है, वो किस मंडल का है? गढ़वाल मंडल का है। अब लास्ट आता है दोस्तों आपका, अब आता है इसके बाद चंपावत की, दोस्तों केवल पिथौरागढ़ की लगती है, अल्मोड़ा की लगती है, नैनीताल की लगती है और उधम सिंह नगर, इसके साथ भी 4 जनपदों की सीमा लगती है। उधम सिंह नगर की बात करें तो इसमें दोस्तों नैनीताल से सटा हुआ है और चंपावत की सीमा जो है इसके साथ लगती है। तो ये है दोस्तों इसकी जो सीमाएं हैं, यहाँ से जो है अक्सर प्रश्न बनता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से क्या है
केवल गढ़वाल मंडल के, गढ़वाल मंडल के केवल दो जनपद ऐसे हैं गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल की बात करें तो इसमें दोस्तों दो जनपद ऐसे हैं चमोली और पौड़ी, मात्र दो जनपद जिनकी सीमा जो है किससे लगती है, चमोली प्लस पौड़ी, इनकी सीमा किससे लगती है दोस्तों, इनकी सीमा जो है कुमाऊं मंडल से लगती है, किससे लगती है, कुमाऊं मंडल से लगती है। तो गढ़वाल मंडल के सिर्फ दो जनपद है, आप देख सकते हैं ये है आपका चमोली और ये है दोस्तों आपका पौड़ी, इन दोनों की सीमा जो है किससे लगती है, कुमाऊं मंडल से लगती है। और वहीं कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद है, एक है पिथौरागढ़, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा अल्मोड़ा है, चौथा आपका नैनीताल, यहां से हल्का सा चार। तो कुमाऊं मंडल के चार जनपद है जिनकी सीमा जो है गढ़वाल मंडल से लगती है, यानी कि गढ़वाल मंडल से लगती है। तो गढ़वाल मंडल के दो जनपद जिनकी सीमा कुमाऊं मंडल से लगती है, और कौन कौन से दो मंडल है, कौन कौन से दो जनपद है, चमोली पौड़ी। वहीं बात करें कुमाऊं मंडल के चार जनपद है जिनकी सीमा गढ़वाल से लगती है। तो चार जनपद में कौन कौन से आ गए दोस्तों, तो चार जनपद में आपका आता है दूसरा आता है दोस्तों आपका, दूसरा आता है आपका बागेश्वर, तीसरा आता है दोस्तों आपका अल्मोड़ा, और चौथा है नैनीताल। ये चार जनपद ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है गढ़वाल मंडल से लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके स्थापना की बात करते हैं, पौड़ी इसकी स्थापना कब होती है, अगर हम पौड़ी की स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये है यहाँ पर आपका पौड़ी, तो इसकी जो स्थापना होती है 1840 में जो है इसकी स्थापना होती है। वही अगर हम बात करें देहरादून, देहरादून की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1871 में, 1871 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद अगर हम बात करें अल्मोड़ा की तो 1891 में जो है इसकी स्थापना होती है अल्मोड़ा, ये है दोस्तों अल्मोड़ा 1891 में जो है इसकी स्थापना होती है। उसके बाद बात करते हैं टिहरी, तो 1849 में सभी को पता है दोस्तों टिहरी कब बना था, 1849 में टिहरी की स्थापना होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अब आता है दोस्तों पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ कब बनता है, 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना होती है। फिर बात करें दोस्तों अब आता है उत्तरकाशी भी कब बनता है, 1960 में जो है इसकी स्थापना होती है। वहीं चमोली की जो है 1960 में जो है इसकी स्थापना होती है। हरिद्वार की बात करें तो 1988 में दोस्तों जो है यह जनपद बनता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों उधम सिंह नगर की तो इसकी जो स्थापना होती है 1995 में जो है, 1995 में जो है इसकी स्थापना होती है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो 1997 में जो है इसकी स्थापना होती है रुद्रप्रयाग, 1997 में दोस्तों रुद्रप्रयाग बनता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चंपावत तो 1997 में दोस्तों चंपावत भी कब बनता है, 1997 में जो है इसकी स्थापना होती है। और बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर भी कब बनता है दोस्तों, 1997 में। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपकी जो है परीक्षावाणी में भी दे रखी है, फर्स्ट पेज जो परीक्षावाणी का है उसमें ये सारी चीजें दे रखी है। और उसमें दो चीज खास महत्वपूर्ण दे रखी है कि कुमाऊं में जो है छह जनपद है, और कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नैनीताल है। कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ है, नैनीताल जो है कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है। स्थापना कब होती है, 1854 में। और गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है, वो है दोस्तों पौड़ी में। गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है, और इसकी स्थापना कब होती है, 1969 में जो है गढ़वाल मंडल जो पौड़ी में है इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका पौड़ी है, 1969 में इसकी स्थापना होती है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों, ये सभी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की, अब बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें पौड़ी की, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 5329 जो है इसका क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल है। वहीं देहरादून की बात करें तो देहरादून का क्षेत्रफल कितना है, 3088 जो है इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद अल्मोड़ा की बात करें दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है, 3139 जो है अल्मोड़ा के क्षेत्रफल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्मोड़ा,
इसके क्षेत्रफल की बात करें 3139 जो है इसका क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, उसके बाद आता है आपका नैनीताल आता है, तो नैनीताल है दोस्तों 4251। नैनीताल का कितना है 4251 जो है इसका क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों आपका आता है टिहरी, टिहरी की बात करें तो 3642 वर्ग क्षेत्रफल में जो फैला हुआ है। इसके बाद बात करें आता है आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जो है दोस्तों 7090, पिथौरागढ़ कितना है 7090 वर्ग किलोमीटर इसका ये क्या है दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। ये बेसिक सी चीजें आपको अच्छे से नोट करनी है। उसके बाद बात करते हैं उत्तरकाशी की बात करें तो 8016 कितना है 8016, और चमोली की बात करें दोस्तों तो 8030। यानी कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा जनपद है वो आपका चमोली जनपद है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तरकाशी जनपद है, तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद है। अब बात आती है किसकी, हरिद्वार की बात करें दोस्तों तो 2360 है, 2360 जो है इसका क्षेत्रफल है। वही बात करें उधम सिंह नगर की तो 2542, उधम सिंह नगर का कितना है 2542 जो है इसका क्षेत्रफल है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो 1984 रुद्रप्रयाग, ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग 1984 जो है इसका क्षेत्रफल है। और फिर बात करते हैं चंपावत की बात करें तो 1766, ये है चंपावत इसका क्षेत्रफल है 1766 इसका क्षेत्रफल है। फिर बात करें बागेश्वर, बागेश्वर का है दोस्तों 2246, ये बागेश्वर है 2246 जो है इसका क्षेत्रफल है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जनपद है वो आपका चमोली है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जनपद उत्तरकाशी है, और तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दोस्तों सबसे जो छोटा जनपद है वो आपका चंपावत, इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कितना है 1700 यानी कि 1766 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है आपका अल्मोड़ा का, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका, पहले पे चंपावत आता है, दूसरे पे आता है आपका रुद्रप्रयाग, सबसे छोटे सबसे छोटा है चंपावत, दूसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पे आपका दोस्तों बागेश्वर। तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर आपको याद रखने हैं, ये सबसे छोटे जनपद है। और वही बात करें सबसे बड़ा चमोली, दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पे आपका पिथौरागढ़ है। तो ये सामान्य सी जानकारी है दोस्तों उत्तराखंड के बारे में। अगर आपको, आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो है पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ कमियाँ नज़र आती है या कुछ बोलने में मुझे जो है मिस्टेक हुई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।